हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। और आज है वीरवार, 26 नवंबर का दिन है आज। और अभी बजे हैं सुबह के 5, और सुबह 5 बजे उठ गई हूँ मैं, क्योंकि आज बनाने मेरे को मिठड़ू। ये आटा मैंने रात को ही गूंद के रख लिया था, रात को 10 बजे के करीब मैंने आटा गूंदा था। और इसको 4-5 घंटे चाहिए होते हैं आजकल सर्दियों में आटे को तैयार होने को, फूलने को, तो इसलिए फिर अभी सुबह 5 बजे मैंने सोचा था सुबह ही बनाऊँगी। तो 4-5 घंटे, 5-6 घंटे हो गए हैं इसको, आटा जो अच्छे से तैयार हो गया है। तो मिठड़ू आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल का ऐसा पकवान है जो हर खुशी के मौके पर बनाया जाता है। कोई भी खुशी का मौका हो, शादी ब्याह, मुंडन, बर्थडे वगैरह हो, तो मिठड़ू ज़रूर बनाए जाते हैं। तो वही बना रही हूँ आज, क्योंकि आज है मेरे बेटे का बर्थडे, तो उसी के लिए मैं बना रही हूँ ये मिठड़ू। तो बस ये देखिए, अभी तैयार कर लूँगी मैं सारे मिठड़ू। इसका आटा जो है वो 4-5 घंटे के लिए रखना पड़ता है फूलने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए मिठड़ू जो सारे बना के मैंने रख लिए हैं, और अब इनको मैं ढक दूँगी। और कढ़ाई मैंने रख दी है गर्म होने के लिए, तेल उसमें डाल दिया है। तो बस अभी साथ साथ मैं इसकी मैं कर दूँगी तलाई भी, तल लूँगी इनको मैं। थोड़े से ही बनाए मैंने, ज़्यादा नहीं बनाए हैं, इसीलिए मैंने सुबह ही, मैंने कहा चलो सुबह ही बनाते हैं। ज़्यादा बनाने होते हैं तो फिर शाम रात को बना लेते हैं हम, क्योंकि फिर सुबह टाइम लगता है। तो अभी ये देखिए तेल गर्म हो गया है। हमारे यहाँ बर्थडे में ये मतलब पूजा के लिए बनाए जाते हैं, और देते भी हैं लोग जो बर्थडे में गीत वगैरह गाने के लिए औरतें आती हैं उनको देते भी हैं। पर इस बार पूजा का ही करेंगे, पूजा का ही काम है बर्थडे में, बाकी कैंसिल किया हुआ है हमने, मैं नहीं करेंगे वो। तो बस इसलिए थोड़े से ही बना रही हूँ मैं। तो बस इसके साथ ही अभी मैं कर लूँगी, तल लूँगी इनको। और अभी इसको तलते तलते बज जाएंगे मेरे को 7 के करीब 7 बज जाएंगे। उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करने के बाद, नहाने धोने के बाद पूजा की तैयारी कर लूँगी। और खाना, पंडित जी आएंगे तो उनको खाना भी बनाना है आज उनके लिए, क्योंकि पंडित जी आएंगे तो खाना खिलाना है उनको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट। तो बस ये देखिए, ओके। अभी आँच थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि एकदम से डाले तो जल गए हैं नीचे, तो आँच मैं कर दूँगी कम अभी। और ये ना ज़रूर बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पर, खुशी के कोई भी खुशी का मौका हो, अलग अलग नाम होंगे हमारे हिमाचल में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग नाम होंगे, पर मतलब बनाए ज़रूर जाते हैं ये। कई जगह इनको मिठड़ू, कई जगह गुग्गू, कई जगह संचोलू, कई जगह पता नहीं और क्या क्या बोलते हैं, पर हमारे कांगड़ा में तो इसको मिठड़ू ही बोलेंगे बोलते हैं। कई जगह बबरू भी बोलते हैं इसको, मीठे बबरू वो भी बोलते हैं। तो बस ये देखिए, अभी एक साथ सारे मैं कर लूँगी इनको फ्राई। ये देखिए फूल गए हैं, अभी ये अच्छे से तैयार हो गए हैं। ऐसे बस सारे एक साथ मसारे में बारी बारी जो है वो तल लूँगी। और टाइम जो है ना अभी 7 बज रहे हैं। तो बस ये देखिए अभी हो गए मेरे मिठड़ू जो है वो हो गए हैं तैयार। ये हैं सारे। ताकि बाद में फिर मैं अपना काम करती रहूँगी किचन में, पंडित जी अपना काम करते रहेंगे, और जो एक दो चीज़ें रह जाएंगी उसका फिर बाद में चलो पंडित जी मांग लेंगे तो तब दे दूँगी। तो बस ये सारा सामान जो मैं इकट्ठा करके रख दूँगी और फिर मैं अपना काम करती रहूँगी किचन में। हर साल पूजा करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो पता ही होता है कि पंडित जी क्या क्या सामान लेते हैं। तो बस उसी हिसाब से रख दूँगी मैं यहाँ पर, आने वाले हैं पंडित जी अभी। और अभी आ गई हूँ ये देखिए किचन में, और किचन में बनाऊँगी आज मैं मिक्स वेज। तो मिक्स वेज बना, और ये साथ में है मटर और मशरूम, और साथ में बनेगा पनीर। तो ये मिक्स वेज बनाने के लिए गोभी जो वो मैं फ्राई कर लूँगी पहले, और उसके बाद फिर ये शिमला मिर्च और गाजर भी फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए गोभी मेरी फ्राई होगी, और शिमला मिर्च और गाजर मैं इकट्ठे फ्राई करने के लिए डाल दूँगी अभी इसमें। और मसाला जो है वो ग्रेवी जो सब्जियों के लिए वो मैंने पहले तैयार करके रख ली हुई है, क्योंकि लाइट का पता नहीं होता, और लाइट चली गई तो फिर मिक्सी में ग्रेवी तैयार करनी होती तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने ग्रेवी जो वो तैयार करके रख ली है। तो बस अभी
बस सब्जियों को बनाना है मेरे को। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी लोग, आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। और आज है 26 नवंबर और आज है जी का सामान जो है वो पूजा का, वो तो मैंने रख दिया है सारा, पर अभी बस खाना बनाना है क्योंकि पंडित जी को खाना खिलाएंगे, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ अभी मैं। तो आज खाने में बन रहा है हमारे यहाँ पर मिक्स वेज पनीर और एक सब्जी बन रही है उसकी मशरूम, मटर मशरूम की, एक पनीर की और एक मिक्स वेज की, और साथ में बनेगी सेवियाँ मीठी, खीर, सेवियों की खीर बनेगी। तो साथ में बनेगी सेवियों की खीर। तो बस पूजा की तैयारी मैंने कर ली है, पंडित जी अभी आते ही होंगे, सारे लोग हो रहे हैं, तो बस अभी बनाऊंगी मैं खाना। और यहाँ पर ये देखिए मटर जो मिक्स वेज बनेगी उसके उसका मसाला जो बिल्कुल तैयार हो गया है, भुन के मैंने तैयार कर लिया है। तो इसमें बस ये मिक्स वेज जो मैंने फ्राई की हुई थी सब्जियाँ, गोभी, गाजर और शिमला मिर्च, वो मैंने ऐड कर दी हैं। तो वो सब अच्छे से मिक्स करूँगी, मसाले सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, जो भी मसाले मैंने डालने हैं वो सब डाल दिए हैं इसमें। तो बस मिक्स करके फिर मैं इसको ढक्कन लगा के पकने दूंगी 5-7 मिनट के लिए, क्योंकि पहले से सब्जियां फ्राई की हुई हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। फ्राई करके बनाने से सब्ज़ी अच्छी टेस्टी भी लगती है और मतलब जल्दी भी बन जाती है, नहीं तो ऐसे फिर टाइम लग जाता है, अगर बिना फ्राई किए मिक्स वेज बनाओ तो टाइम लग जाता है और टेस्ट भी वैसा नहीं होता है। तो बस फ्राई करके बना लेती हूँ मैं। तो इसके बाद बस फिर वो ढक्कन लगा के मैंने बंद कर दी है, वो पकती रहेगी। और यहाँ पर कुकर में बना रही हूँ मटर मशरूम, तो तेल जो वो पक गया है, हल्दी मैंने इसमें डाल दी है अभी, और इसके साथ डाल दूँगी मैं जो ग्रेवी मैंने तैयार की हुई है मसाला, वो मैं डाल दूँगी इसमें। और फिर बस मटर मशरूम डाल के अच्छे से मैं सब्जी को भून लूँगी। तो ये देखिए मैंने ग्रेवी जो वो इसमें ऐड कर दी, और साथ में ये थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड करके रख लिए थे, भिगोए थे पहले, और भिगोने के बाद फिर मैंने इनको ग्राइंड किया था। तो बस इनको भी अच्छे से पका लिया, ग्रेवी को भी अच्छे से पकाने के बाद, ड्राई फ्रूट डाल के अच्छे से पकाने के बाद अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं मटर और मशरूम, और अच्छे से ये भुनते रहेंगे, तैयार होते रहेंगे, तब तक मैं कढ़ाई में पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी। और यहाँ पर मेरा मसाला तेल जो वो बिल्कुल तैयार हो गया है, अभी मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है, और इसके साथ ही ऐड कर दूंगी मैं इसमें ग्रेवी, जो ग्रेवी मैंने तैयार की है। और ग्रेवी पकने के बाद इसमें भी ड्राई फ्रूट्स और ये जो मलाई मैंने दूध के निकाल के रखी हुई है वो ऐड कर दूंगी, और बस फिर तैयार हो जाएंगी मेरी सब्ज़ियाँ। दो सब्ज़ियाँ मेरी जो हैं वो लगभग तैयार हो गई हैं, और ये भी तैयार हो जाएगी। और पंडित जी भी आ गए हैं, उन्होंने अपना काम जो वो शुरू कर दिया है, और बस खाना लगभग तैयार हो गया है। बस अभी सेवियों की खीर बनानी है मैंने, वो भी बन जाएगी दूध में, 5-7 मिनट में बन जाती है, वो भी तैयार हो जाती है। तो बस फिर पंडित जी पूजा कर लेंगे, तो बस फिर उनको खाना खिला देंगे और उसके बाद फिर वो चले जाएंगे। बस ऐसे पक जाएगी मेरी अभी ये सारी सब्जी, ये मसाला। तो अभी मैं डाल दूँगी इसमें ग्रेवी, वो ड्राई फ्रूट्स और ये क्रीम। और ये देखिए यहाँ पर पंडित जी आ गए हैं, प्रार्थना करनी हरि की ओंति मिन हर मंगल करण सो जो भय प्रकाश सकल तेरा मिट गयो धरती धवल आकाश नमस्कारो मी नमस्कार करना प्रणाम ते पानी चक्का भगवन श्री ओम कार देता है। और इसके बाद ये मैंने खीर के लिए दूध चढ़ा दिया है, खीर बॉयल हो जाएगा तो उसमें मैं सेवियां डाल दूंगी। और बस अभी ये देखिए तैयार हो गया मेरा खाना, मटर मशरूम और पनीर और ये मिक्स वेज और खीर। पंडित जी की पूजा जो है वो कर ली है पंडित जी ने, और बस अभी मैं खाना खिला दूंगी उनको, खाना जो वो तैयार हो गया है, और खाना खा के फिर पंडित जी चले जाएंगे। और अभी ये है शाम का टाइम, और इसने बेटे ने मंगाई थी डेनिम की जैकेट, तो वो अभी आज ही आई, तो वही मैं इसको बोल रही थी कि अच्छा है तेरा बर्थडे का गिफ्ट मिल गया तेरे को अभी आज ही। बंद करना, कैसा रहेगा? मंगाया किससे तूने? मिंत्रा से मंगाया? इधर आके दिखाना थोड़ा सा। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय।